आपको फरीदाबाद से बताएं, जहां पर नरकंकाल बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। घटना में तीन आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं। सूरजकुंड की पहाड़ियों में ये नरकंकाल मिला है, तो नरकंकाल मिलने का ये पूरा मामला है जिसमें पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और खुलासा पुलिस ने यहां पर किया है। और ये नरकंकाल सूरजकुंड की पहाड़ियों से मिला है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक नरकंकाल मिलने का मामला सामने आया है जो कि सूरजकुंड की पहाड़ियां हैं, वहां से बरामद किया है पुलिस ने। और पुलिस ने इस पूरे मामले में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक जानकारी और आपको दे दें कि ये नरकंकाल दो तीन दिन पहले बरामद हुआ था। इसमें खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विनय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, तीन चार दिन पहले ये नरकंकाल मिला जिसमें पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ खुलासा और पुलिस ने इस पूरे मामले में किया है? देखिए, आपको बता दूं कि सूरजकुंड की पहाड़ियां फरीदाबाद में है और वहीं पर एक आश्रम भी है, तो वहां से जो लोग गुजरते हैं उनको एक नरकंकाल मिला था। और नरकंकाल मिला था क्योंकि ये एक नरकंकाल था और इसलिए पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर की तरह से पुलिस इसको सुलझा रही थी। और इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और इसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि चूंकि सिर्फ नरकंकाल मिला था इसलिए इसमें किसका नरकंकाल है और कहां से आया और इसको लेकर फोरेंसिक लैब की भी मदद ली गई। और हालांकि अब पुलिस ने किसी को सुलझा लिया है, तीन आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मर्डर की क्या वजह रही और क्यों इस मर्डर को किया गया, ये अभी पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर में और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजह थी, किस वजह से मर्डर किया गया और यहाँ पे नरकंकाल कैसे आया गया। तो तमाम बातों को लेकर अभी थोड़ी देर में ही पुलिस इन बातों का खुलासा करेगी। बिल्कुल विनय, और क्या कुछ इन आरोपियों का लेन देन है इस पूरे मामले से और किस तरीके से पुलिस नरकंकाल से इन आरोपियों तक पहुंची, ये भी बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। देखिए, वाकई में बिल्कुल, चूंकि जब नरकंकाल मिला था तो पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था और पुलिस ने काफी इसको खंगालने की कोशिश भी की और पुलिस के लिए भी ये काफी बड़ा चैलेंज था। हालांकि चैलेंज को पुलिस ने अब बहुत ही कम समय में सुलझा लिया है और चूंकि अभी आरोपियों को रिमांड पे लिया जाएगा और काफी कुछ पूछा जाएगा उनसे। हालांकि पुलिस का कहना है कि गुत्थी को पूरी तरह सुलझा लिया गया है, लेकिन तमाम सवालों का जवाब की क्राइम ब्रांच के पास ये मामला था और थोड़ी ही देर में जब क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझेगी। आखिरकार किस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, क्या कौन थे ये तीन लोग और किसका मर्डर हुआ वो कौन था। हाँ बिल्कुल, कौन था किसका मर्डर हुआ ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस आरोपियों तक किस तरीके से पूछ पाई, क्या कुछ ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है? देखिए, क्योंकि जब पुलिस को नरकंकाल मिला तो सबसे पहले सवाल ये था कि आखिरकार नरकंकाल है किसका, क्या ये पुरुष है या महिला है और आखिर क्या मर्डर इसी स्पॉट पर हुआ है या नरकंकाल को लाया गया है। तो ये तमाम सवाल थे यहाँ पे और इसको लेकर पुलिस ने एक टीम गठित की, वहाँ पे आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई, सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई और फोरेंसिक की मदद ली गई और इन तमाम पहलुओं को मदद इकट्ठा करते हुए पुलिस ने आरोपियों तक पहुंची है और उसके बाद इस पूरे मामले को सुलझाया है। जी, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।